नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गोंडा से सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हैं, गोंडा के दौरे पर हैं सीएम, और यहां उन्होंने देवीपाटन मंडल के जनपदों के समीक्षा बैठक जो है वो उसमें शामिल हुए हैं। विकास और कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा बैठक है। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में मंथन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, पार्टी पदाधिकारियों से भी कर रहे हैं बात। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर हैं और गोंडा पहुंचे हैं जहां उन्होंने मंडल के जनपदों की समीक्षा बैठक उन्होंने की है। विकास और कानून व्यवस्था, ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर समीक्षा बैठक यहाँ की गई। सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ है। इसके अलावा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के गोंडा पहुंचने के समय की, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की अलग अलग जिलों में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मद्देनजर। गोंडा से हमारे संवाददाता विपिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर हैं, उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही गोंडा पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात की है। उसके बाद अधिकारियों के साथ वो तुरंत कलेक्टर सभागार में निकल गए और वहां पर मंडल के सभी अधिकारियों के साथ, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी के साथ बैठकर सघन मीटिंग कर रहे हैं और इस समय मीटिंग चल भी रही है। वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि मौजूद है वहां पे, क्योंकि सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था को लेकर उनका सिर्फ एक ही बंदा है, कानून व्यवस्था जिले में बेहतर होना चाहिए, मंडल में बेहतर होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से परख रहे हैं और मीटिंग भी चल रही है। सभी अधिकारी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मंडल के सभी जिलों के, चारों जिलों के, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और वही गोंडा के। वही आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लगातार विपक्ष द्वारा घेरा जा रहा है सरकार को, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर पूरा उनका ध्यान है और अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। अगर जो अधिकारी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर जिला अधिकारी और वही कमिश्नर से बात कर रहे हैं कि सरकार की जनजन योजना जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। वही आपको जानकारी दें कि क्योंकि गोंडा डीएम नेहा शर्मा लगातार जन चौपाल का कार्यक्रम भी कर रही है, सरकार की जितनी योजना है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तहसील दिवस से लेकर थाना दिवस तक पूरा इतना वहां पर लोगों का ताता लगा रहता है कि देखने वाली बात है। कुल मिलाकर यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो कार्य नहीं करते हैं। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त है और होने ये विधानसभा के जो 10 सीटों पर चुनाव है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है और 2027 के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए। समीक्षा बैठक के दौरान कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे, मुद्दे थे जो उठकर सामने आए, और सीएम द्वारा क्या कुछ आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं? मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई वीडियो ऐसा सोशल मीडिया पे ना वायरल हो जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, उसके बाद में विकास कार्यों को, जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचाई जा रही है, उसमें जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने चर्चा की और उसके बाद डीएम से और कमिश्नर भी चर्चा की उन्होंने, मुख्यमंत्री ने की। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 4 घंटे का दौरा है, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी 4 घंटे का दौरा नहीं लगा, जो 4 घंटे की मीटिंग नहीं लगी, ये बहुत अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि गोंडा में 2 तहसीलें ऐसी हैं, करनैलगंज और तरागंज, जो की बाढ़ प्रभावित है, तो बाढ़ को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई बेहद ही महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घंटों की समीक्षा बैठक यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली जानकारी का। आपको बता दें कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की भी होने जा रही है आज शाम को। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर होगी और दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां किस तरह की हैं
इसके मद्देनजर आने वाले दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उपचुनाव के साथ साथ इस बैठक के कई मायने अन्य भी हैं। जैसे आपको बता दें कि लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकें नहीं हो पाई, दोनों डिप्टी सीएम बैठकों में मौजूद नहीं रहे हैं, संगठन महामंत्री की मौजूदगी दर्ज नहीं हो पाई है, लेकिन आज की जानकारी के अनुसार ये सभी नेता, ये सभी मंत्री, ये सभी बड़े चेहरे कोर ग्रुप की बैठक में आज शामिल होंगे। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो प्रमुख। अनिल के अंकुर जी, कितनी महत्वपूर्ण है आज की होने वाली ये बैठक? पहला सवाल इस लिहाज से कि उपचुनाव हो रहे हैं, दूसरा सवाल इस लिहाज से जिस तरह की संगठन और सरकार में खींचतान रही उस पर एक तरह से कहा जाए कि अब सारे जो मसले थे वो सुलझ गए हैं, इस तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरा कदम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था लंबे समय से, और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित था, लगातार बैठक लगी हुई थी, और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बैठकों का दौर चला, संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और यहाँ तक के प्रधानमंत्री तक से लोगों से मुलाकात हुई, और उन लोगों की मुलाकात के बाद यही मैसेज गया कि आप लोग आपस में बैठ करके तालमेल करके काम करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये संगठन के लिए, पार्टी के लिए एक खराब सिनेरियो जाता है, संदेश खराब जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो आज की बैठक है, तमाम बैठकों के बाद आज ये बैठक हो रही है, इस बैठक में आज देखने की बात ये होगी कि क्या केशव मौर्य, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में आते हैं या नहीं आते हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री की आवाज़ हो रही है। इस बैठक को बात को इसलिए माना जा रहा है कि उपचुनाव सामने हैं, और उपचुनाव में 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की थी, और 5 सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन की थी। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन को देखते हुए, और अब गठबंधन की जो तैयारी है, गठबंधन के नेताओं का जो दावा है कि वो उन 5 सीटों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उनको कैसे हथियाया जाए, और जो अपनी सीटें हैं जो जहाँ पे उनके प्रत्याशी ऑलरेडी जीते थे उन पर वो लोग कैसे अपने जो विषयों को लेकर आज ये बैठक होगी। अनिल के अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। के बाद स्वागत है बुलेटिन में, आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज शाम सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और जानकारी के अनुसार कोर ग्रुप की बैठक से पहले जो सरकार द्वारा जो सुपर 30 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है उपचुनाव के मद्देनजर, उसकी भी आज शाम को एक बैठक होगी, यानी दो बड़ी बैठकें आज लखनऊ में होने जा रही हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप अपनी जानकारी में बता रहे थे कि किस तरह से बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय से जो टकराव की स्थिति थी वो बरकरार थी, और उपचुनाव से पहले अगर टकराव अभी भी बरकरार रहता है तो ये नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब लगता है कि जो बर्फ थी वो पिघल चुकी है। क्या कुछ माना जाए आज शाम की बैठक के मद्देनजर, चूंकि जो 30 मंत्रियों का समूह बनाया गया है उसके साथ भी एक मंथन होगा, और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक भी, क्या माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद जो सभी चीजें थी, जिस तरह से गतिरोध था वो अब पूरी तरह थम गया है? अनिल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हुई, सबके दौर सब चले, लेकिन एक पुरानी कहावत है, पुरानी लाइन है कि रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़ों से टूटे ना एक जोड़ लग जाए।
तो ये जो कहावत है, ये वाक है जो कविता की लाइन है रहीम की, ये निश्चित रूप से आज भी बिल्कुल वाक रहती है कि भले ही किसी दबाव में बोले केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक या उनकी लॉबी वहाँ पे बैठक में शामिल हो जाए, लेकिन वो सामंजस्य, वो एकता अब नहीं दिखती है इन लोगों की बातचीत में, इनके लोगों के बात व्यवहार में नहीं दिखती है। आज शाम की बैठक इस बात को साबित करेगी कि आखिर अब ये जो वैमनस्यता थी आपस में कितनी अब बरकरार है, कितनी नहीं है, ये देखने की बात होगी। शाम की बैठक में लोग क्या करते हैं, क्या नहीं, आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं तो उनका वक्तव्य क्या होता है, बैठक के बाद क्या वक्तव्य देते हैं, तो ये बस एक एक लाइन, एक एक्शन, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में हर आदमी का एक व्यक्तित्व होता है, उसकी परिभाषा होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आगे की लाइन क्या है। और आज की बैठक में जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें इस बात को निश्चित रूप से ये आकलन होगा। इसके पहले आपने जो बताया कि मंत्रियों तो 30 मंत्रियों की बैठक है, इसमें मंत्रियों को काम सौंपने जाने हैं कि उनको कौन कौन से जिले में मंत्रियों को स्थायी रूप से चुनाव तक अड्डा जमाना है, लगातार जो चुनाव होंगे वो कैसे कैसे वहाँ पे मूवमेंट करेंगे और सारे मंत्रियों को वहाँ पे मौजूद रहना है। तो ऐसी स्थिति में जो 30 मंत्रियों को ग्रुप बनाए, जो जिनका ये वो मंत्री हैं जिनके पीछे कहीं बैकअप है, जिनके पीछे जनता समूह है, वो उन मंत्रियों को शामिल किया गया है, उन लोगों को नहीं शामिल किया गया है जो बैकडोर से सत्ता में आते हैं, यानी कि जो लोग आते हैं उन लोगों को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जो वो लोग हैं जिनके साथ जन समूह रहता है, जनता रहती है, उन लोगों को कोर 30 में शामिल किया गया है, उन लोगों को भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आपको फला फला जिले दिए जाएंगे। शाम तक इनकी घोषणा होने की संभावना है। जी बिल्कुल अनिल केंकुर जी, देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, पहले सुपर 30 और उसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, नजदीक है उपचुनाव, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे पहले काफी ज्यादा गतिरोध बरकरार रहा दिल्ली से लेकर लखनऊ के बीच में, लेकिन बैठकों का दौर चला और अब माना जा रहा है कि चीजें समतल हो चुकी हैं, अब जो बर्फ थी वो भी पिघल चुकी है संगठन और सरकार के बीच में, उसका आज एक तरह से टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल केंकुर जी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जमकर घिरा है, बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा केशव मौर्य पर, उन्होंने कहा कि केशव मौर्य एक स्टूल किट नेता हैं, बहुत किट किट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य और मुझे उनका ऑफर खत्म करना होगा। गौरतलब है कि उन्होंने ऑफर निकाला था, मॉनसून ऑफर, 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ। हालांकि लगातार वाक युद्ध, तंज एक दूसरे पर लगातार कसे गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से। अब इस क्रम में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बहुत ज्यादा किटकिट करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने ये ताना मारा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते आए हैं। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुकुम मिलता है तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई, आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई और कन्नौज की मैं बता दूं एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी है, 4 पेज की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, रिपोर्ट में मुआवजा राशि बढ़ाने की बात कही गई है, राज्यसभा में बाबूराम निषाद मुद्दे को उठाते नजर आएंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में नाबालिग किशोरी के साथ
हैवानियत गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता मोइन खान जिस पर आरोप लगा, फिलहाल गिरफ्तारी उसकी है। और दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी है। उधर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में गैंगरेप के मामले को लेकर टिप्पणी की है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार से जल्द मिलने जाएंगे, गलती की कोई माफी नहीं, इंसाफ होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। पीड़ित परिवार से जल्द मिलने जाएंगे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बेहद ही शर्मनाक घिनौनी वारदात पेश आई है। अयोध्या का जो मामला है जी, बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी पार्टी बता रहे, बात बता रहे, हाँ आए, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। उधर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट पर फिलहाल जो सुनवाई थी वो टल गई है, अगले हफ्ते अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई जारी है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को खारिज कर दिया था, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था। हालांकि हाई कोर्ट के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है। आने वाले दिनों में इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। यूपी मदरसा बोर्ड मामले पर अगले हफ्ते होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में तमाम खबरों का। फिरोजाबाद में व्यापारी के साथ लाखों की लूट, 3 बाइक सवारों ने दिया घटना को अंजाम। गोरखपुर में छात्रावास में वार्डन पर छात्राओं से मारपीट का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में एएमयू की छात्राओं का प्रदर्शन, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ललितपुर में भारी बारिश के चलते बांधों का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने नदियों के पास के गांव में जारी किया अलर्ट। अलीगढ़ में दो पक्षों में मारपीट, 4 लोग बताए जा रहे घायल, पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया। अलीगढ़ में एडीए के अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप, जबरन घर में घुसने का वीडियो सामने आया। अमरोहा में निजी पैथोलॉजी लैब संचालक की दबंगई, कंपाउंडर से मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में हमलावरों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, महिला समेत बुजुर्ग घायल, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान के घर में की चोरी, लाखों के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन का फूंका पुतला, अयोध्या में रेप की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। अलीगढ़ में दो पक्षों में हुआ पथराव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी। बिजनौर में दोस्त ने किया दोस्त का मर्डर, पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप, डीएम ने लगाई न्याय की गुहार।
बहराइच में चार दिन पहले बरामद हुए युवती के शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, युवती के प्रेमी और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कासगंज जनपद में तेज रफ्तार का कहर, कांवड़ियों की मैक्स गाड़ी पलटी, हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत, दो घायल। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस ने पकड़ा अंतर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोर गिरोह, दिल्ली समेत विभिन्न जनपदों में वाहन चोरी की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। जौनपुर में पुलिस ने किया ओम प्रकाश मिश्रा हत्याकांड का खुलासा, चार गिरफ्तार भेजा जेल। मैनपुरी में गैर समुदाय के लड़के से परेशान बीसीएसटी छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी, पीड़ित परिवार का आरोप छात्रा को धर्म परिवर्तन करने के लिए बनाया जा रहा था दबाव। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा साले को कुचला, दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में 15 सितंबर को जिला उम्रवेश्य समाज सभा का चुनाव, रामजी उम्रवेश्य विश्वनाथ राम अजोर समेत तमाम लोग बने चुनाव अधिकारी। उमर उमर वैश्य महिला मंडल मिर्जापुर ने किया सावन उत्सव का आयोजन, भगवान श्री कृष्ण की गई पूजा अर्चना, मेहंदी प्रतियोगिता श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन। बदायूं में जल चढ़ाने को लेकर भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। फरुखाबाद में पांचाल घाट पर दिखा शिव भक्तों का समागम, बम बम भोले के साथ पांचाल घाट से रवाना हुए कांवड़ी। बागपत में किराना व्यापारी के मकान में लूटपाट का खुलासा, तीन लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में परिवहन विभाग ने लगाया शिविर, विद्यालय के वाहनों के फिटनेस के लिए शिविर का आयोजन। महोबा में ट्रक से बाइक टकराने पर बड़ा हादसा, हेड कांस्टेबल सहित तीन लोग घायल। पीलीभीत में घुंघचाई दियोरिया सड़क निर्माण कार्य ठप, बारिश के कारण लोग परेशान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।